And one person who, I don't know how to say thanks to him. Out of nowhere, I met him, and he has liked our work, he has helped, and he has put in extra effort to make sure that whatever we are creating is beautiful and up to the mark. Aslam Khan, sir, please, can I have you on stage? So, yeah, CD. We unveil the CD and Shubha. I'm sorry, I missed him. No, I'm extremely sorry, sir. please. I'm always here. Why don't you? And I'd like to call Atul and Somit on the stage, please. I mean, so thank you for coming and gracing the occasion. Please. एक्चुअली मैं एक बार इसको और देखना चाहती थी. मेरे लिए बहुत बड़ी इमोशनल जर्नी थी एंड आई एम चोक्ड. लोकेशन भी आपने ऐसी चुनी है, वहाँ समुद्र है. वो तीन दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ जब इस वीडियो को किया गया था. तो सबसे पहले तो शुभो, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और जैसा आपने कहा, मैं कल से सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी. मैं भी नहीं अखबार पढ़ती. मैं भी इस बात से, मीडिया से नाराज़ हूँ कि जब कोई कहता है कि आपकी जो ये लॉन्च हो रही है उसमें क्या कोई सेलिब्रिटी आएगा, कोई स्टार आएगा. स्टार तो चारुमा है, स्टार तो कोणार्क है, स्टार तो ये म्यूजिशियंस हैं. स्टार आप क्रिएट करते हैं. स्टार आसमान में ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता. वो कहानियाँ, अगर वो नई कहानियाँ आप अपने अखबारों में नहीं कहेंगे और रोज़ यही बलात्कार और यही पॉलिटिक्स की चीज़ें, वही रिपीटेटिव चीज़, तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ. इस देश का क्या भविष्य है? ऐसा जो ये गाना है कि हौसला ना रूठे धड़कन से, ऐसा हौसला अफजाई करिए, ऐसा इनको एनकरेज करिए कि एक कोणार्क जैसा लड़का अमेरिका से आए और ये सोचे कि मैं म्यूज़िक को कैसे कॉज से बांधूँ. ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर एक कितनी चीज़ें हैं उनको एक संगीत में कह देना एक बहुत बड़ी बात है. तो सबसे पहले तो मैं कोणार्क की तारीफ करती हूँ. जैसा कि आपने कहा, नाम ही इतना पवित्र है, कोणार्क. कोणार्क का वो मंदिर जो मैंने भुवनेश्वर में देखा, और सारंगी यानी इतना सुरीला, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और जिस तन्मयता से आप करते हैं. फिर ये दो म्यूज़िक डायरेक्टर इतने हम्बल, इतना इनका म्यूज़िक बोलता है जो आपने भी देखा, इसकी जो साउंड है, पर ये खुद कभी नहीं बोलते हैं. ये बहुत बहुत ही चुप रहने वाले, बहुत अच्छा काम करने वाले दो ऐसी जोड़ी, दो दोस्तों की, संजय और अंबर, जिनको कि मैं चाहती हूँ कि लोग सुने और आगे इनकी हौसला अफजाई करें ताकि इनका हौसला ना टूटे धड़कन से. और फिर पिंकी, इनको देख के लगा नहीं कि इतने खूबसूरत लफ्ज़ इन्होंने ही लिखे होंगे.
बहुत अच्छा आपने लिखा, कंपोजिशन पे लिखना जैसा आप कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने हाँ क्यों करी। मैंने हाँ करी कि मैं श्याम बेनेगल के साथ फिल्में करती हूँ, गोविंद नहलानी के साथ फिल्में करती हूँ, जिनकी हर बहुत बड़ी फिल्म जो होती है कहीं गांव से शुरू होती है, गांव की माटी की सुगंध लेके शुरू होती है, वहीं से स्मिता निकली, शबाना निकली। जब तक आप चार पांच लड़कियां यहाँ बैठी हैं जो एक्टिंग कोर्स कर रही हैं, जब तक आप अपने देश की जबान उसकी मट्टी से नहीं जुड़ेंगी तो आप ये एक या दो फिल्मों में दिखेंगी, उसके बाद मुश्किल है। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, जुड़ने के लिए, शबाना बनने के लिए, स्मिता बनने के लिए गांव की माटी, वहाँ की जबान का आपको एहसास होना, उस सुगंध को अपने में समेटना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब मुझे इन्होंने मौका दिया और कहा आपको चलना है और चारुमा की कहानी बताई, तो बताइए कौन एक्ट्रेस होगी जो इस मौके को छोड़ेगी कि ऐसी महिला जिसने साइक्लोन, तो सबको पता है कि भुवनेश्वर में कैसा आया था, और ये गांव जब पूरा उजड़ गया तो सब बड़ा अजीबोगरीब गांव है, या हिंदू मुसलमान इतने प्यार से रहते हैं, 3 दिन में उस गांव की मट्टी से, उनके कछुओं से, उनके पेड़ों से मैं इतनी हिल मिल गई कि वो मेरी जिंदगी से आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। एक वो अकेली महिला थी जिसका नाम था चारुमा, उसने कहा ये गांव हम क्यों छोड़ेंगे, इन पेड़ों को हमें दोबारा लगाना होगा जो समुद्र की नमक को रोकते हैं, ये वो हैं जिसकी वजह से, नहीं तो ये तो सारा कुछ मिट जाएगा। एक अकेली औरत ने अगर, क्योंकि मेरे बोलने के बाद और चारुमा की बात, आप देखिए खुद कितना अच्छा बोलती हैं, उनको सुनने के बाद एक बार और ये वीडियो देखिए और ये देखिए कि किस तरह से ये पूजा करते हैं, किस तरह से इन्होंने उन पेड़ों को लगा दिया, और कितने पेड़ और कितनी बड़े वहाँ कछुए जो है वो आते हैं, उनके बच्चे वहाँ पैदा होते, ये सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, आज वो रॉयल पाम्स के पास आरे को रोकने की बात हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं फिर भी काटे जा रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल बन रहे हैं, हमें उनको रोकना है, हमें लड़ना है, और लड़ने के लिए हमें ज़मीन पर उतरना है। हम यही कहते रहेंगे कि ये हमारा काम नहीं, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट है क्या, आप जाएंगे आप ही 5 दिन बाद गवर्नमेंट बना देंगे, पर अगर आप खुद अपने में आत्मविश्वास पैदा करेंगे, खुद लड़ेंगे जो चारुमा ने किया है। तो उनके सामने जब मैं गई तो मुझे लगा मैं जिंदगी में मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो उनके आगे एक बौना हूँ, एक लिलीपुट छोटी सी, कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें, एक्टिंग, देर इज अ वुमन जिसने कर दिखाया। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ अपनी प्यारी चारुमा से। इला मैम, सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट आपने लिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और लोगों को, मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत होगी, तो क्या कहेंगे मैम जब आपको अप्रोच किया गया, क्या रिएक्शन था, और अगर उस बारे में कुछ बताया। वो चारुमा का जो कैरेक्टर है, पहली बात तो जो दोनों म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सुरीला काम वो करते हैं। फिर उन्होंने मुझे जब कोणार्क से मिलाया तो मुझे ये भी लगा कि इतना हमारे भारत का यूथ तो भैया बड़ी आसानी से बाहर जाता है और हिंदुस्तान आना ही नहीं चाहता, उसे हिंदुस्तान की हर चीज़ बहुत बुरी लगती है। ऐसे में एक जवान लड़का जो है वो अपना संगीत लेके, अपने पैसे लगा करके एक समस्याओं को और ऐसी चीज़ों को सुर के साथ बांध के करना चाहता है, तो मेरे लिए कोई कारण नहीं था कि मैं इसको ना करूं। और फिर हम लोग एज एन एक्टर हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा पात्र मिले जो जिसमें इतना डायमेंशन हो, जिसमें इतनी संवेदनशीलता हो, जितनी उसकी अंदर ताकत हो। तो चारुमा की जब इन्होंने मुझे कहानी देखी तो मैंने कहा भैया इस पात्र को तो जीना भी शायद मुश्किल होगा, जो इनके चेहरे पे जो एक
वो एक जो चमक है, जो एक डिटर्मिनेशन है, वो मैं ला पाऊँगी कि नहीं ला पाऊँगी। तो एक वो भी था कि मैं भारत की एक नागरिक हूँ और जहाँ मैं किसी भी माध्यम से अगर जुड़ सकूँ, लोगों को जागरूक कर सकूँ अपने आर्ट के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और मैंने किया है, मैंने सुषमन में वीवर्स के लिए किया है, मैंने सुर मंथन में हमारे जो स्पेशल लोग होते हैं जो नहीं सुन सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या अंतर्नाद में डाकुओं के साथ, श्याम बेनेगल के साथ रह के मैंने विभिन्न ऐसे ऐसे वर्गों जिनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, वो भी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, उनके साथ जाकर भी मैंने डॉक्यूमेंट्री करी। तो इस तरह का जब म्यूज़िक वीडियो आया, जो कि मैं चाहती थी मैं खुद भी ऐसी आवाज़ दूर दूर, जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि सती प्रथा, वहाँ इला रुण आती है, पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहती हूँ भारत का हर युवा, बजाय ये सोचने के लिए कि मैं देश को छोड़ दूंगा, देश नथिंग इन आर कंट्री, बाहर ये, उससे अच्छा ये यहाँ आओ, अगर बीज बोगे, अगर खाद अच्छी बोगे, खुद सींचोगे, तो फल तो आएंगे ही आएंगे। मैम, जब आपने पहली बार विजिट किया, हमने देखा कि एक वीडियो आपने गांव में विजिट किया है, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर थोड़ा सा बताया हमारे? वो गांव जिस गांव में मैं गई थी और वो जो 2.5 दिन तक मैंने उस गांव में शूटिंग करी, वो गांव अपने लिए एक प्रेरणा था मेरी। मैं जब वहां से, जिस दिन मैंने गाँव छोड़ा, तो वाकई में बहुत रोई, क्योंकि वो सारे लोग जो थे वो मेरे अपने रिश्तेदार बन गए थे, कैसी हालातों में वो रहते हैं और कैसा उनका मनोबल फिर भी है, उन्हें शिकायत नहीं है, उन्हें कहते हैं कि हम अपना गांव छोड़ेंगे या अपना देश छोड़ेंगे, कितना उनको विश्वास है अपने इस भारतवर्ष में, वहाँ की भूमि में, वहाँ के पेड़ों में, पौधों में। तो उनसे बहुत सीखने को मिला, उन्हीं का मैंने खाना खाया, उनका प्यार निस्वार्थ भाव से, उनके कॉस्ट्यूम में जब आप चले जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप इलारून हैं, उनके हाथ की रोटी जब आप खाते हैं। तो ये मेरे लिए, जब आप किताब लिखेंगे तो ये एक ऐसे पृष्ठ है जिनको मिटाया नहीं जा सकता है, और ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि भारत जो है वो गाँव से बना हुआ एक देश है, भारत से बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास, बेंगलोर नहीं है, उन गाँव तक हमें स्मार्ट उनको नहीं बनाना है, हमें खुद अपने आप को उनके लेवल तक ले जाना है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस भूमि को हमें चखना है, उसका स्वाद लेना है। कैसे वो रहते हैं मज़े से, उनको कोई शिकायत ही नहीं, बहुत खुश रहते हैं। तो अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। कौन सा, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी ये सेकेंड है सॉन्ग, पहले घर जाना है, बहुत ही अप्रिशिएट किया गया, ये सेकेंड सॉन्ग कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस क्वालिटी के, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हम कर पाएंगे, दो प्रोजेक्ट हो गए। तो पिछले साल जब किया था मैंने, तो पता नहीं कहाँ से ख्याल आया मुझे कि इनको मैं फिल्म फेस्टिवल्स में भेजता हूँ और देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, एक अच्छे इशू को लेके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैंने भेजा तो रिस्पॉन्स ऐसा आया, मुझे अभी तक भी यकीन नहीं है कि कैसे आया ये रिस्पॉन्स। तो इसको 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेशंस मिले हैं स्क्रीनिंग के लिए, और उसमें 6 अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में इसने हासिल किए। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे पहले वीडियो से, और उससे आपको बहुत इनक्रेजमेंट भी होती है कि हाँ फिर हम दूसरा भी करें। और दूसरे पे जब ऐसे कलाकार, उनके साथ काम करने का मौका मिले, तो उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीदें और बढ़ जाती हैं मेरी कि ये इससे भी अच्छा करेगी, मुझे उम्मीद है लोगों को पसंद भी आएगा और अच्छा सब्जेक्ट भी चुना है हमने। ये भावना इसमें ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि मैं बराबर पूछती हूँ कि इसका कोई फाइनेंशियल रिटर्न तो मुझे दिखता नहीं, तो रिटर्न क्या है? रिटर्न है कि लोग इसे लाइक करें, रिटर्न ये कि इनका हौसला ना टूटे, लोग इस बात को समझे, अगर इनका ये संगीतमय मैसेज बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोग लाइक करेंगे, तब इनको लगेगा कि मैं इतनी दूर से आया, मैंने एक काम किया, वो व्यर्थ नहीं गया। तो मैं तो यही चाहूँगी, क्योंकि मुझे अभी तक यूट्यूब का सिस्टम समझ में नहीं आया, पर जो कुछ भी है, अगर वो लाइक से बात बनती है तो लाइक से करिए, अगर वो सोशल मीडिया जो जहाँ मैं हूँ नहीं, अगर उससे अगर कुछ बात बनती है तो उससे करिए, पर अपने अंदर आप जागरूकता लाइए और इस वीडियो का हौसला ना टूटे, ऐसी आप इसको प्रोत्साहन दीजिए, हौसला अफजाई करिए। ओके इला मैम, लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो आपने कैरेक्टर जो प्ले किया है वो गांव वाले को बहुत मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है, आपके जीवन में ऐसे कौन सी चीज़ें जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है? यही गांव,
ये गांव के लोग, वहां का खेल, वहां का संगीत, वहां की औरत मुझे एनकरेज करती है। मैं इतना हेनरी गिब्सन के नाटक करती हूँ, मैं हमेशा औरत की ही बात करती हूँ। वो औरत ना केवल शक्तिशाली है, ना केवल सुंदर है, ना केवल श्रृंगार से परिपूर्ण है, वो दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, वो हर जगह सेलिब्रेट है, वो देवी है। तो वो जो औरत है ना, उसका मैं हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं भी औरत हूँ। तो और इंडियन औरत होना जो है वही मुझे प्रोत्साहित करता है। थैंक यू।